अब मैंने एक किताब लिखी, मैंने अपनी बात कह दी, अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दी। और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, उनको मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती, कल तक दिखती थी आज नहीं दिखती। ये आप कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद के घर में धधक रही है, ये आग उस गुस्से की आग के बाद धधकी है जो गुस्सा सलमान खुर्शीद की किताब से पनपा था। धर्म के नाम पर उठी सियासी चिंगारी ने सलमान खुर्शीद के घर को शोलों में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। घर में आगजनी की इन तस्वीरों को सलमान खुर्शीद ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फिर सवाल किया कि क्या अब भी मैं गलत हूँ कि ऐसी हरकत हिंदू धर्म की नहीं हो सकती। और इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ, हिंदू धर्म ये नहीं है, नहीं है। और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसा ही करते हैं, आज दिखा दिया, तो मेरी बात तो साबित होगी ना। नैनीताल में खुर्शीद के घर पर हुए हमले के बाद हिंदू बनाम हिंदुत्व वाला विवाद फिर केंद्र में आ गया है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ कि हमने विगत 7-8 वर्षों में देश का इकोसिस्टम इतना खराब कर दिया कि आने वाली कई पीढ़ियां लग जाएंगी इसको दुरुस्त करने में। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ, हमारे लिए हिंदू धर्म का मतलब जो हमने बापू को वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। इस विवाद की शुरुआत भी सलमान खुर्शीद की ही किताब से हुई थी जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की थी। और ऐसी तुलना के बाद खुर्शीद समेत पूरी कांग्रेस पार्टी BJP के निशाने पर आ गई थी। आज तक ब्यूरो।